हमारे पास रिदा है रिदा का आज हमने गोल्डन गर्ल अच्छा देखिए रिदा की जैसे अपनी स्किन है बहुत प्यारी है और हल्का सा अगर हम अभी रिदा के ऊपर हम लिक्विड बेस से शुरू करेंगे अब जैसे रिदा की स्किन के ऊपर दाने हैं ऐसे इस एज की लड़कियों के निकलते हैं दाने ये जवानी की निशानी है तो कोई लड़कियां बिल्कुल परेशान नहीं हो कि दाने निकल आए अब क्या करें अरे भाई तो बुढ़ापे में चले जाएंगे मेरे नहीं है हम पहले फाउंडेशन लगाएंगे अच्छा हम कंसीलर नहीं प्राइमर नहीं यूज करें अगर आप गोल्डन प्राइमर नहीं यूज करें नहीं गोल्डन प्राइमर नहीं आपको पता है मैक या बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स में गोल्डन प्राइमर्स हैं गोल्डन फिक्सर्स हैं सीरियसली मैं पढ़ा है मैंने लगाती ये है गोल्डन आई हैव ये गोल्डन वाला ये गोल्डन वाला ये क्या है ये इससे क्या होता है फिक्स करता है बस अब चीजें क्योंकि देखिए कंपनी है गोल्डन इसमें कलर डालने की क्या जरूरत है वो गोल्डन इफेक्ट देता है थोड़ा सा शाइन आ जाता है शिमर आ जाता है गोल्ड का टिंट आ जाता है मैं आजकल रोज नई नई बेसिन चेक कर रही हूँ अपने मुंह पे ना तो आज मैं क्या लग रही हूँ नहीं मैं नहीं बन सकती एक ऐसी एक्ट्रेस जो सफेद बेस लगा के आ जाती थी मेरी बेस आज जो मैंने चेंज की है ना वैसे देखने में बहुत अच्छी लग रही स्क्रीन पे बहुत सफेद लग रही है तो माजरत के साथ सफेद बेस लगा दी है मैंने आज ओके लेकिन मैं मंडे से फिर वही बेस लगाऊंगी जो पुरानी लगाती थी क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना आपको मेकअप चेंज करते रहना चाहिए आप एक पे अटक जाते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है पतली से पतली बेसें आती जा रही हैं तो हमने ये बेस बना दी है ये बेस कौन सी है मुसरत आपा एमएम ओके सो दिस इज समथिंग वेरी गुड मैंने अगर हम बहुत फाउंडेशन मैंने यूज किया मैंने अरमानी भी यूज किया है शनेल भी यूज किया मुसरत आपा की हमारे पाकिस्तानी जितने भी एशियंस हैं हमारे जितने भी लोग हैं तो उनकी ये बेस बहुत अच्छी है स्किन के ऊपर चिपक जाती है और 12 घंटे ही आपके आराम से निकाल लेती है तो थोड़ी सी गोरी बेस है इसके ऊपर हम पाउडर थोड़ा सा डार्क लगाएंगे ऑलवेज क्रिएट हमेशा मैं बोलता हूँ क्रिएट करें सो अभी आपने क्या किया कि मैंने थोड़ी सी गोरी बेस लगाई जब मैं पाउडर लगाऊंगा तो बैलेंस हो जाएगी सही है अगर आपको बेस डार्क लगानी है अंदर वाली जो ये डार्क लगाएंगे तो पाउडर लाइट लगाएं ठीक है तो मैंने हल्का हल्का सा इस तरीके से टिक टिक करके कर दिया लाइक दिस और उसके बाद अच्छा जैसे किसी को बेस में गोल्डन इफेक्ट देना हो तो क्या क्या आजकल प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गई हैं गोल्डन इफेक्ट देने अच्छा सीरम्स आ गए हैं गोल्डन कलर हाँ गोल्डन कलर के सीरम्स आ गए हैं और हाइलाइटर है आप इसके अंदर जैसे आप गोल्डन सीरम्स बेस से पहले लगते हैं बेस के अंदर भी मिला सकते हैं और जैसे अब ये गोल्डन हाइलाइटर है तो मैं अगर ये बेस के अंदर मिला के इसको ब्लेंड कर दूं तो ये शायद बेस चमकने लगेगी ठीक है मिक्स हो जाएगी तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन अभी क्या है कि हम नॉर्मल बेस बना रहे हैं हम ये मिक्स करें लाइक दिस अब फिंगर टिप के साथ मैं इसको स्मूथली ब्लेंड करूंगा आज मैं बहुत अच्छा शो करूंगा मैं सोच के आया हूँ यस और मैं आज जितने भी लोग देख रहे हैं और सब कहीं पे कैमरा इधर उधर अपने टीवी चैनल को इधर उधर ना करें आज मैं बहुत दिल से सिखाऊंगा कहाँ करेंगे बेचारे ये देखे नहीं ओके सो ये देखिए हम बेस लगा रहे हैं नहीं किया कभी गरूर भाई जब वाजिद खान हो स्क्रीन पे तो 5 चैनल इधर उधर हो सकता है ये देखिए अब हमने बेस बहुत सॉफ्टली बहुत सॉफ्टली हम इसको लगाएंगे बहुत आराम से अच्छा क्या है कि बहुत सारे लोग अब अक्सर सवाल भी लोग ये करते हैं कि हम कौन सा कंसीलर लगाएं हम कौन सा कलर करेक्टर लगाएं तो नॉट नेसेसरी जरूरी है ना लगाएं नहीं आप एक बेस के साथ भी कवर कर सकते हैं देखिएगा जैसे ये है हल्का सा ये स्कार दिख रहा है दाने का तो हम इसको किस तरीके से इसी बेस के साथ कवर कर देंगे ठीक है यार मेरी जिंदगी कंसीलर के बगैर अधूरी है मैं तो कहती हूँ बेस ना लगाए मैं बेस नहीं लगाऊं कंसीलर लगा के और कॉम्पैक्ट लगा के चली जाऊं बेकिंग जिसे कहते हैं वो भी बहुत अच्छा है तो मुझे मेरी तो जिंदगी कंसीलर के मुझे आप बेस ना दें लेकिन आप कंसीलर दे दें बस मेरे पर्स में ब्लशर कंसीलर और कॉम्पैक्ट हो बस काफी है ओके मेरी जिंदगी के लिए और एक मस्कारा भी हो जाए और उसी मस्कारे से मैं आईब्रो भी कर लूंगी तो अगर मैं किसी आइलैंड जा रही किसी जजीरे पे आप क्या चीजें लेके जाना पसंद करेंगी कंसीलर क्या करूँ गेस्ट भी मैं ही हूँ होस्ट भी मैं ही हूँ तो लिपस्टिक भी होनी चाहिए ना ओके सो अब देखिए जिस तरीके से हल्का सा डालते हैं तो उसके ऊपर हम दोबारा से इस तरीके से रखेंगे और ये आपका कवर हो गया ठीक है तो हम इसको दोबारा से सिर्फ लगाएंगे तो ये टैप करेंगे और कवर हो जाएगा ठीक है अच्छा अब देखिए आजकल गोरी बेसों का फैशन है क्या भाई गोरी बेसों को तो हमेशा से फैशन है और लोगों को चाहिए ही गोरा मेकअप यहाँ पे लोगों को डार्क नहीं समझ में आता मैं थक गया हूँ लेकिन शायद अब कुछ लोगों को समझ में आने लगा है कि डार्क मेकअप जो अपना कॉम्प्लेक्शन है वही रखें ज्यादा अच्छा है लेकिन यूजली दुल्हनों को गोरा ही मेकअप चाहिए होता है
सो हल्का सा हमने गोरा बेस ही लगाया है और इतना गोरा नहीं है कि बिल्कुल ही शक्ल बदल दी है। उसके बाद अब हम पाउडर का पफ लेंगे। लेकिन बड़ी फ्रेश लग रही है ये, तो अभी प्लस नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा भाई। मसाला तापा की तो बड़ी अच्छी बेस है ये। यस, तो बहुत अच्छी है और अक्कू बाजी ने मुझे खास दी हुई थी ये मुझे बताएं जरा ये कलर कौन सा है। अच्छा है। क्या है कि अगर आपके पास, अच्छा मैं ये बता दूं कि इनका एक आइवरी बहुत गोरे लोगों के लिए, जैसे ये सामने बैठे हैं दुपट्टा ओढ़ के, इनका रंग बहुत दुपट्टा सबने ओढ़ा है, इन्होंने जो वाइट काले कुर्ते के साथ है, जो इनके जैसे ये आइवरी लगाएं। अच्छा अगर आइवरी बहुत गोरे लोगों के लिए है और जो सामने लोग हैं और उनको थोड़ा सा गोरा करना है, तो आइवरी के साथ इनका मोका है, चेस्टनट है, इनका आलमंड शेड है, तो आप वो मिक्स कर लें तो आपके बीच के शेड बनते जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, 2024 की इस तरीके से, लेकिन बहुत अच्छी है। ओके अच्छा। अब हम पाउडर लगाएंगे, लेकिन सी हम पाउडर अच्छा, लगाएंगे। कॉम्पैक्ट तुम कौन सा ले रहे हो, कोई भी कॉम्पैक्ट? हाँ, कॉम्पैक्ट आप कोई सभी ले रहे। यहाँ तुम वो बेस ब्लेंड कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं, हाथ नहीं पहुँचे। अच्छा और अब हम पाउडर लगाएंगे। आंखों के ऊपर बेस नहीं लगाई? नहीं, आंखों के ऊपर नहीं, हल्का सा मैं बाद में लगाऊंगा। अच्छा ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, पहले कहा करते थे आंखों के ऊपर बेस नहीं लगानी चाहिए, अब कहते हैं आंखों के ऊपर बेस लगानी चाहिए, आई शेडो के कलर अच्छे आते हैं, ये क्या चक्कर है, ये समझ नहीं आता। अच्छा बेस लगाएं, बहुत हल्की लगाएं, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा। ज्यादा नहीं, इस तरीके से करके